भारतीय क्रिकेट टीम और बीसीसीआई के बीच सालाना करार और मैच फीस को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली लंबे समय से खिलाड़ियों का वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कुंबले और कोहली की इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सीओए ने भी उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अब खबर आई है कि कुंबले और कोहली की जोड़ी ने ऐसा प्रस्ताव रखा है जिससे महेंद्र सिंह धोनी को नुकसान हो सकता है। मजेदार बात ये है कि कुंबले ने जहां अपने वेतन को बढ़ाने की मांग की है, वहीं कोहली का वेतन दूसरे खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा नहीं होगा। कुंबले और कोहली के इस प्रस्ताव को बीसीसीआई ने हरी झंडी दे दी तो अब तक भारतीय खिलाड़ियों को फॉर्म, प्रसिद्धि और अनुभव के आधार पर सालाना करार के लिए मिलने वाले ग्रेड खत्म हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सीओए और बीसीसीआई ने हैदराबाद में एक संयुक्त प्रस्तुति दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुंबले और कोहली ने तीन स्तर के ही ग्रेड बनाए रखने की मांग की है। हालांकि नए प्रस्ताव के तहत टेस्ट खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा वेतन मिलेगा, दूसरे नंबर पर वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों का वेतन रहेगा और सबसे कम T20 खेलने वालों का होगा। आपको बता दें कि धोनी टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए उनके वेतन पर असर पड़ेगा। NMF News की रिपोर्ट।